कहाँ तक पढ़े थे अपन एफ सी सी एच सी पी के बारे में पढ़ रहे थे ओके okay, तो अपन ने बेसिकली सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक में कौन किसको टच करता है अगल बगल वाले टच करते हैं कि नहीं करते है? करते हैं हाँ और उसमें रिलेशन क्या आया था एक क्वेश्चन टू आर आया था कोऑर्डिनेशन नंबर छ आया था और जेड कितना आया था इफेक्टिव एटम्स कितने थे उसमें One. One. और packing fraction? Packing fraction था उसका फिफ्टी टू परसेंटेज उसके बाद में था बीसी बीसीसी में सारे कॉर्नर्स पे तो था ही था और एक सेंटर में भी था तो उसके कारण जेड हो गया था टू और ऐसे ही अपन सिंपल क्यूबिक में हो हुए क्या लेयर्स क्या थी ए टाइप की लेयर्स थी हाँ या ना और बीसीसी में कौन सी लेयर्स थी? ए बी ए बी टाइप का था चार फिर एक बीच में ए -बी -ए -बी. एक चार ऐसा ए -बी, ए बी टाइप का था और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, था बीसीसी का यदि सेंटर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी को कॉर्नर वालों को टच करेगा तो आठ था और वहां पे रिलेशंस क्या थे मतलब कौन किसको टच कर रहा था बीसीसी में बॉडी डायंगल पे जो एटम्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे टच कर रहे थे ऐसा ही था बॉडी पे तो इस कारण क्या क्या आया था डायंग्री एक्सर की फोर आर फोर आर फोर आर और कॉर्डिनेशन नंबर तो आठ बोल ही दिया उसके बाद जेड आएगा टू और पैकिंग फ्रैक्शन कुछ सिक्सटी एट परसेंटेज आता है उसके बाद में अपन पढ़े एफसीसी और एचसीपी इन दोनों का ही पैकिंग uh, फ्रैक्शन बराबर आता है, वो आता है seventy four परसेंटेज और फिर अपन ने उसका देखा था F का, उसमें लेयर्स कैसी थी, एबीसी B टाइप की लेयर्स थी कि A B A B टाइप की लेयर्स थी F में A B C A B C याद है वो कौन से एक वीडियो दिखाया था, एक कॉर्नर आइटम से देखें तो फिर एक कॉर्नर एटम फिर एक ट्राइंगल बन रहा था एक उल्टा ट्राइंगल बन रहा था वापस फिर कॉर्नर वाला नीचे एटम आ रहा था तो वहां पर एबीसी टाइप के लेयर्स बन रही थी वहां पे जेड कितना होता है फोर क्योंकि कॉर्नर वालों का मिला के वन आता है और फेस सेंटर के कंट्रीब्यूशन हाफ होता है और छह फेस सेंटर का आधा करोगे तो तीन आएगा तो ऐसे भी देखा था कॉर्डिनेशन नंबर कितना होता है होता है इसका भी और का दोनों का ट्वेल्व होता है बिल्कुल ठीक है अब अपन पढ़ रहे हैं इसके बाद में एक चीज पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल्स मतलब जैसे NaCl हो गया एम हो गया जो आयनिक क्रिस्टल का मतलब सॉलिड ही हुआ था, होता है तो आयनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड नेचर के होते हैं सोल्ट होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके अपन पढ़ने से पहले अपने को एक चीज पढ़ना पड़ेगा वॉइड क्या चीज होती है तो वॉइड क्या चीज होती है आपको तो पता ही होगा वॉइड वॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं रिक्ति या रिक्ती रिक्ति तो वॉइड इन जनरली किसके कौन साथ में आता है जिसकी वजह से वॉइड बनती है कैटाइंस की एनाइंस अरे खाली जगह जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन वर्ड बोलते हैं कौन आया जिसके बीच में जो खाली जगह आई उस खाली जगह में जाता कौन है और वो खाली जगह बनती किसकी वजह से खाली जगह में इन जनरली वॉइड में जाता कौन है कौन ऑक्युपाई करता? करता है कैटाइन ऑक्यूपाई करता है एनाइन ऑक्यूपाई करता है सोच के देखो ये तीन एटम्स पड़े हैं एटम्स या आयन पड़े हैं एक जैसा ही है ये जो बीच में खाली जगह पड़ी है इसको अपन वॉइड बोलते हैं तो इस वो वॉइड छोटी है कि बड़ी है एक बात बताओ ये इसके रेस्पेक्ट में ये जो आयंस रखे हैं इनके रेस्पेक्ट में जो बीच वाला चीज है ये छोटा है कि बड़ा है काफी छोटा है हाँ ना यस yes, सर तो एक बात बताओ कि कैटाइन छोटा होता है कि एनाइन छोटा होता है एनाइन एनाइन छोटा होता है साइज में कहा कैटा है एक गरिमा गरिमा वही है ना जिनकी मैडम ने तुम्हें यह सॉलिड स्टेट पढ़ाया था वही है गरिमा या और थी कोई पिछले बार निकिता थी ओके okay, निकिता थी तो मुझे भी पढ़ाया तुम्हें भी उन्हीं मैडम ने पढ़ाया था नो सर बट मैडम ने पढ़ाया था यस सर ओके okay. अब इन जनरल कैटाइंस की साइज छोटी होती है किससे एनाइं से, से. क्यों होती है सिंपल सी बात है एनाइंस के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज होता है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो न्यूक्लियस से आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और इसी को ही क्या बोलते हैं अपन साइज बोलते हैं तो इन जनरली साइज बड़ी होती है कैटाइन से एनाइंस की तो इन जनरली वर्ड कौन बनाता है एनाइंस और उसको ऑक्यूपाइड कौन करता है कैटाइंस तो लिखना यहां पे इन जनरल इन जनरल वॉइड इज क्रिएटेड बाय क्रिएटेड या और फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय एनाइंस बट ऑक्युपाइड बाय ऑक्युपाइड बाय कैटाइंस कैटाइंस ऑक्यूपाई करते हैं और एनाइंस इन जनरली बनाते क्यों है ऐसा क्योंकि ऐसा है क्यों क्योंकि साइज ऑफ कैटाइन इज लेसर देन साइज ऑफ एन इन जनरली ये बात ठीक है एनाइन की साइज इन जनरल कैटाइन से क्या होती है बड़ी होती है चलो अब इसमें आपको देखना है कि कितने अलग अलग टाइप की क्या हो सकती है वॉइड्स हो सकती है अलग अलग टाइप की कितनी वॉइड्स हो सकती है टाइप्स ऑफ वॉइड्स बताओ जरा कौन कौन सी वॉइड्स होती है पढ़ रखा है आपने ये कौन से कौन से टाइप की वॉइड्स होती है ऑक्ट्राइडल उक एक और भी होती है बीसीसी वॉइड होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक वॉइड तो एक एक करके पढ़ते हैं पहला होता है तुम्हारा ट्राइंगुलर ट्रायंगुलर ट्राइंगुलर अभी जो मैंने बनाया था वो ट्राइंगुलर वॉइड ही था इसके बीच में जो ये जगह बनी है ये जो चीज है ये क्या है तुम्हारी ट्राइंगुलर वॉइड अब यहां पे एक खास बात होती है एक जाता। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है या तो ऐसे समझ लो, एक तीन. या फिर ऐसे सोचो कि इस वर्ड में जो कैटाइन जाएगा इस वर्ड में जो कैटाइन जाएगा वो कितने एनाइंस को टच करेगा तीन एनायंस को टच करेगा सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ एनाइंस टच्ड बाय टच्ड बाय अटाइन कैटाइन कैटाइन इन अ वॉइड जो वॉइड में कैटाइन है वो कितने एनाइंस को टच कर रहा है तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा थ्री आया जाएगा एक और चीज है यहां पे एक फंडा चलता है आर प्लस अपॉन आर माइनस का अब पहले समझो आर प्लस अपॉन आर माइनस का मतलब क्या हुआ R किसकी क्या कहते हैं रेडियस है कैटाइन की कि एनाइन की कैटाइन की? की और आर माइनस किसकी रेडियस है या जो आयन है उसकी साइज है या रेडियस है वो किसकी है तुम्हारी एनाइन की तो इसको बोलते हैं अपन रेडियस रेशियो रेडियस रेशियो अभी रेडियस रेशियो हर एक वर्ड की क्या होती है रेंज होती है रेडियस रेशियो रेश की बताओ ट्राइंगुलर वर्ड की रेंज कहां से कहां तक होती है याद है कुछ ये ऐसा तो, तो है नहीं ना आर प्लस अपॉन आर माइनस की कोई भी वैल्यू हो तो भी ट्राइंगुलर वर्ड बन जाएगी ट्राइंगुलर वर्ड में जाएगा कि टेट्राइडल वर्ड जाएगा कि ऑक्ट्राइडल जाएगा कि बीसीसी वर्ड जाएगा कि डिपेंड करता है कि आर प्लस अपॉन आर माइनस की क्या वैल्यू है? मतलब कैटाइन अपॉन एन की साइज का रेशियो क्या है तो इसके लिए एक वर्ड की वैल्यू आती है इसकी मैथ्स में अपने को नहीं जाना फालतू तो में कहीं काम नहीं आता ये वैल्यू आती है जीरो पॉइंट किसी को याद है याद है कि नहीं याद है लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ा है <laughs> <नहीं सर। laughs> ओके कोई नहीं ये चीज था कि नहीं था बताओ जरा एक चीज बताता हूं वन फाइव फाइव से लेके कहा तक जीरो पॉइंट टू टू फाइव तक मतलब रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 तक है यहाँ पे इक्वालिटी वाला साइन है इधर इनइक्वालिटी वाला साइन नहीं है यहां तक यदि रेडियस रेशियो की वैल्यूज है मतलब मान लो कि r+ r है 0.17 ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस yes, सर आ रहा है तो वो कौन सी वॉइड में जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड में यहां पे जो वॉइड सो कॉल्ड बन रही होगी

कि एकदम पास में आ जाए ये एन एनआईन भी एक दूसरे को टच करने लग जाए और ये बीच में कौन पड़ा है तुम्हारा ये कैटाइन पड़ा है कैटाइन तो एनआईन को टच करेगा ही करेगा यहां से एक मैथमेटिकली एक रेशियो निकाला जा रहा है r प्लस अपॉन आर माइनस मिनिमम वाला ये वैल्यू क्या है मिनिमम इसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो Limiting Radius Ratio. इसको मैं बार एल आर आर क्या बोलूंगा एल आर आर मतलब कम से कम कितना रेडियस रेशियो हो सकता है इस वाले का कम से कम कितनी वैल्यू अलाउड है बताओ जरा जीरो पॉइंट फाइव तो ये समझ रहे हो कि ये जो वैल्यू है आर प्लस अपॉन आर माइनस ये ट्राइंगर वर्ड का क्या है एक

टेट्राइडल के लिए आएगा क्योंकि इक्वल टू होते ही वो कौन से वर्ड में चली जाएगी तुम्हारी टेट्राइडल वर्ड में चली जाएगी अब एक पूरे इस वर्ड वाले की इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं वापस ध्यान से सुनना रेडियस रेशियो चाहे कुछ भी हो रेडियस रेशियो ये आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू कुछ भी हो कैटाइन हर बार एनाइन को टच करेगा जिनसे मिलके वॉइड बनी है ये बात समझ में आ रही है कैटाइन हर बार एनायंस को टच करेगा चाहे लिमिटिंग रेडियस रेशियो कुछ भी हो लिमिटिंग रेडियस रेशियो ये इसके बीच में आया तो तीन को टच करेगा किसी और रेडियस रेशियो आएगा तो कुछ और नंबर ऑफ को टच करेगा हाँ या ना बट कैटाइन जिनसे जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है जो उसको वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करके बैठा है वो सारे एनायंस को हर टाइम पे टच करेगा ये बात दिमाग में जा रही है yes, एनाइंस एक दूसरे को टच करे ये जिनसे बनी है वो एक दूसरे को टच करे ऐसा जरूरी नहीं है बट कब टच करते हैं ये लिमिटिंग रेडियस रेशो निकालते टाइम टच करवाया कि नहीं करवाया इनको आपस में यस yes. तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एनाइंस एक दूसरे को तभी टच करेंगे जब रेडियस रेशियो किसके बराबर हो लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर एनायंस एक दूसरे को तभी टच करेंगे जब रेडियस रेशियो लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो बट कैटाइन एनायंस को हर बार टच करेगा ये बात दिमाग में है अच्छे से yes, sir. तो दो पॉइंट लिखो जरा ये इतना लिखने के बाद में एक पॉइंट लिखो ये चीज क्या है तुम्हारी रेंज ऑफ टेट्राइडल वर्ड सॉरी ट्राइंगुलर वर्ड्स है ये क्या है रेंज फॉर टेट्रा सॉरी ट्राइंगुलर वर्ड और लिमिटिंग रेडियस रेशियो तो बता ही दिया है मैंने होता क्या है लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो इस ट्राइंगुलर वर्ड के लिए मिनिमम रेडियस रेशियो हो सकता है रेंज का जो मिनिमम लेफ्ट वाला पार्ट है वो उस वाली वर्ड का क्या होता है एल आर आर होता है तो एक पॉइंट लिखना नोट करके जो मैंने अभी ये बोला है ये लिखना कैटाइन ऑक्यूपाइंग अ वर्ड कैटाइन ऑक्यूपाइंग अ वर्ड अ कैटाइन ऑक्यूपाइंग अ वर्ड कैटाइन ऑक्यूपाइंग अ वर्ड ऑलवेज टचेज ऑलवेज टचेज ऑल दाय विच बाय विच दर्ड इज फॉर्म्ड टच इज ऑल दी एनायंस बाय विच दर्ड इज फॉर्म्ड ये समझ में आ रही है बात जो लिखी है आपने यस अगला पॉइंट लिखो एनाइंस फॉर्मिंग अ वर्ड एनायस फॉर्मिंग अ वर्ड एनायंस फॉर्मिंग अ वर्ड टच ईच अदर टच ईच अदर एनाइंस फॉर्मिंग अ वर्ड टच ईच अदर ओनली वेन ओनली वेन रेडियस रेशियो इज ओनली वैन रेडियस रेशियो इज इक्वल टू लिमिटिंग रेडियस रेशियो ओनली वैन रेडियस रेशियो इज इक्वल टू लिमिटिंग रेडियस रेशियो ओनली वेन रेडियस रेशियो इज इक्वल टू लिमिटिंग रेडियस रेशियो अब तो बहुत आसान है सेकेंड आ गई तुम्हारी टेट्रा एडल वर्ड टेट्राइडल वॉइड, इसको टी डी वर्ड बोलेंगे अपन इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये तीन ये टच करेंगे नहीं करेंगे जरूरी नहीं है तीन एनाइंस ऐसे रख रखे हैं और उसके ऊपर ढक्कन टाइप का ऊपर रख रखा है इमेजिन कर पा रहे हो टेट्राडल इस... में ऐसे ही होता है शेप, एक तीन एक प्लेन में और चौथा ऊपर ऐसे ही होता है टेट्राडल शेप तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखी होगी ना तीन एक प्लेन में और पिरामिड टाइप का चौथा ऊपर एक और होता है हाँ या, ना? Yes, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि तीन आपने फुटबॉल एक जगह रख रखे हैं और उसके ऊपर चौथा फुटबॉल और ऊपर रखा होगा तो बीच में एक छोटी जगह होगी उसको अपन बोलते हैं ये इन तीनों के और ये जो ऊपर ढक्कन दे रखा है इसके बीच में जो खाली जगह होगी उसको अपन क्या बोलेंगे टेट्राइडल वर्ड बोलेंगे फटाफट बताओ यहाँ का कॉर्डिनेशन नंबर कितना आएगा चार चार आएगा और यहाँ का आर प्लस अपॉन या लिमिटिंग रेशियो कितना आएगा पिछले बार ही लिख लिया अपन ने लिमिटिंग रेडियस रेशियो अरे जो इसका अपर लिमिट था अपर लिमिट कितना जीरो पॉइंट टू टू फाइव ये इसी का ही लिमिटिंग रेडियस रेशियो था ये कितना है जीरो पॉइंट टू टू फाइव और इसकी रेंज रेंज शुरू कहां से होगी ये तो पता है आपको आर प्लस अपॉन आर माइनस कहां से शुरू होगा जीरो पॉइंट और कहां तक जाएगा तुम्हारा अगली वाली वॉइड अगली वाली वॉइड कौन सी है ऑक्टाइडल का ये वैल्यू आती है जीरो पॉइंट फोर वन फोर तो ये लिख लो ये रेडियस रेशियो किसका है सॉरी लिमिटिंग रेडियस रेशियो टेट्राइडल वॉइड का है और ये वाला किसका है लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वर्ड ओ एच है मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाइडल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जरा फटाफट बताओ तो चार छ ऑक्टाइडल सुन के आठ का तो फीलिंग नहीं आता ना <laughs> देखिए इसमें होता क्या है चार एक प्लेन में ऑक्टाइडल ज्योमेट्री भी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा आपने नो सर ओके okay. नहीं बट स्कूल में तो पढ़ा होगा कॉन्डेशन का पाऊं यस सर तो उसमें तो याद होगा ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके आता है उसमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होती है है ना यस सर t2g और eg सेट वगैरह ऐसा कुछ चलता होगा t2g हाँ तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है चार एक प्लेन पे और फिर एक ऊपर से ढक्कन और एक नीचे से ढक्कन ऐसे चार एक प्लेन पे एक ऊपर से और एक नीचे से तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो बता सकते हो क्या आप अरे पहले रखा है जीरो पॉइंट फोर वन फोर जीरो पॉइंट फोर वन फोर और उसके बाद में इसकी रेंज क्या होगी रेंज है आर प्लस अपॉन आर माइनस में लोअर लिमिट तो आपको पता ही है जीरो पॉइंट फोर वन फोर और आगे आता है जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू ये एनसीईआरटी में नहीं थी क्या चीजें या याद नहीं आ रही है रेशियो वाला नहीं था ओके okay, पूरा पार्ट ही नहीं था नहीं ये वर्ड्स के बारे में था लेकिन रेशियो वाला नहीं था ओके okay. तो ये कितना होता है देखो Uh, ये है लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ किसका है ये ऑक्टा एडल वर्ड का और ये वाला है लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ आगे कौन आती है इसके आगे बीसीसी सीसी वर्ड आती है बीसीसी सी वर्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक वर्ड तो ये हो गई इसकी रेंज और फाइनली तीसरा है तीसरा है ये थर्ड फोर्थ वर्ड है तुम्हारी बीसीसी वर्ड bcc वॉयड बनी कैसे होती है नॉर्मल सिंपल क्यूबिक है याद करो सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक में एटम से आयंस कहां-कहां थे सिर्फ कॉर्नर्स पे और कॉर्नर्स कितने थे आठ तो चार कॉर्नर्स नीचे और चार कॉर्नर्स ऊपर आप ऐसे समझो चार फुटबॉल आपने नीचे रख रखे हैं और चार उन्हीं के ऊपर वापस रख लो तो बीच में खाली जगह होगी कि नहीं होगी Yes चार फुटबॉल रखे और चार फुटबॉल वापस ऊपर रख लो तो यहाँ पे जो बीच में जगह होगी उसको अपन क्या बोलते हैं बीसीसी वॉइड बोलते हैं या फिर सीधा सा बोलो तो एक भी क्या सिंपल कमरे में जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा बीसीसी वॉइड वाली जगह हो गई तो यहाँ पे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पे आठ आठ आएगा इसको मैं बना भी देता हूं ये एकदम इतने दूर दूर नहीं रखे है बट पास पास जाऊंगा तो फिर डायग्राम में कुछ दिखेगा नहीं ये सारे एनाइंस है और इसके बीच में ये जो खाली जगह होगी कहाँ पे इसकी वर्ड बनेगी एकदम सेंटर पे तो ये वाली जगह होगी ये क्या होगी ये वाली चीज क्या है बीसीसी वर्ड तो ये सभी आठों को क्या कर रहा होगा और बीसीसी जैसा ही दिख रहा है नाम क्यों बीसीसी पड़ा समझ में आ रहा है बॉडी सेंटर क्यों भी कैसा ही था यस सर तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आठ कोऑर्डिनेशन नंबर आठ आएगा और इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना आएगा जरा पहले ही लिख रखा है बताओ तो और इसकी रेंज कहा जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू से, से लेके ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है वन हो सकता है ख़त्म हाँ जी आगे बढ़ते हैं तो ये समराइज करूं मैं तो समराइज करूं तो आपको कितनी वर्ड्स थी तुम्हारी कौन कौन सी वर्ड्स थी वर्ड्स में ट्रायंगुलर वर्ड थी उसके बाद में टेट्राइडल वर्ड थी और फिर थी ऑक्ट्राइडल वर्ड और फिर थी कौन सी बीसीसी वर्ड एल आर आर कितना है और रेंज कितना है ये लिख लो काम बन जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बस इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको एल आर आर कितना जीरो पॉइंट टू टू फाइव ये आपको पता है तो आप एल आर आर चार वैल्यूज पता है तो रेंज आप अपने आप से डिसाइड कर सकते कोई बड़ी बात नहीं इसका कितना था जीरो पॉइंट फोर वन फोर और फिर ये कितना था जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू रेंज कितनी हो जाएगी बताओ जरा इसका R R minus, कहां से कहां? से लेके इसका आगे राइट right वाला क्लोज रखूं कि सॉरी इक्वालिटी वाला रखूं कि इन इक्वालिटी वाला ही रखो इन इक्वालिटी वाला ये आएगा कौन सी वाली लिखू जीरो पॉइंट टू टू फाइव फिर अगले वाले का लिख लो आसान है आर प्लस आर क्लोज पे पे कर दो? पे, और कहां तक ले जाना है 0.414 लिख लो जीरो पॉइंट फोर वन फोर से लेके जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू और फाइनली आर प्लस अपॉन आर माइनस कहां से कहा जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू से लेके वन तक और कॉर्डिनेशन नंबर तो आपको पता ही है तीन है फिर चार है फिर सिक्स है और फिर आठ है खत्म बात थ्री फोर सिक्स और एट आगे बढ़े yes, yes. चलो अभी एक थोड़ा दिमाग वाली चीज पढ़ रहे हैं हो सकता है ये चीजें आपको पता हो बट उसको थोड़ा आज दिखाने की कोशिश करूंगा मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड वॉइड्स, वक्टाइड्रल वॉइड्स इन एफ़सीसी यूनिट सेल एफ़सीसी यूनिट सेल वैसे पता है कि आपको कितनी होती है एफसीसी यूनिट सेल में और वाहेड्रल वॉइड्स? नो सर ओके ऐसे ये चीज तो एनसीआर में थी, रही होगी कि ये भी नहीं थी सर थी पढ़ाई हम्म hmm, ये तो एनसीआर की गलती है कि बच्चे पढ़ते नहीं है चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं पहले एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं तो ये FCC बना रखा है ये जो मैंने सारे दिखा रखे हैं ये एनाइंस दिखा रखे होंगे दिखा रखे होंगे थोड़ी अकल लगाओ जरा एनाइंस ये सारे क्या है एनाइंस है. अब ये एक एफ यूनिट सेल है सारे कॉर्नर्स पे और सारे फेसिस के सेंटर पे <laughs> अब यहां पे अपना सवाल क्या है कि इस यूनिट सेल में कितनी टेट्राइडल वर्ड होंगी और कितनी औक्ट्राइडल वर्ड्स होगी तो सबसे पहले अपन ऑक्ट्रा एडल वर्ड्स के लिए देखते हैं ऑक्ट्रा एडल वर्ड्स कितने एनाइन से मिलकर बनी होती है जरा बताओ तो कितने एनाइन साथ आएंगे तब ऑक्ट्राडल वर्ड्स बनेंगे चार की छह छह आएंगे चार एक प्लेन पे ऊपर होना चाहिए एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए ऐसे घूर के देखो क्या ये मिलके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये चार एक प्लेन में है कि नहीं है ये ये वाले चार एक प्लेन में है कि नहीं है yes, और इसके ऊपर एक ये दिख रहा है और नीचे ये दिख रहा है दिख रहा है yes, sir. तो एकदम बीच बीच में इनके बीच में इनके ये बने ये बनेगी ऑक्टाडल वर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये जो जगह है ये वाली जगह ये ऑक्टाडल वर्ड होनी चाहिए चार एक प्लेन में चार एक प्लेन में यदि आप वापस रूम दिखाना चाहो मैं आपकी रूम में देखो जो अभी आप जहां बैठे हो उसके सामने दीवार और आपके जहां बैठे हो उसके पीछे दीवार और आंखों के एक राइट की साइड वाली दीवार और एक लेफ्ट वाली साइड की दीवार मैंने लेफ्ट राइट साइड उल्टा कर दिया जो भी है समझ जाओ तो ये जो चार दीवार है इनके फेसेस के सेंटर पे एटम्स होंगे हाँ या ना यस yes. एटम्स नहीं है आयंस बोल रहा हूँ आयंस में भी एनआंस बोल रहा हूँ ये कंफ्यूज मत होना जो चार दीवारे हैं चार दीवारें है, फर्श और छत को छोड़ दो चार दीवारें हैं चार दीवारों के Centers पे क्या पढ़े पड़े, हैं? पड़े हैं। अब ये चार एक बना रहे हैं, इससे ऊपर एक छत वाला और नीचे एक फर्श वाला ये मिलके ढक्कन लगा रहे होंगे चार एक प्लेन में एक ऊपर से एक नीचे से yes, तो इसके बीच में जो जगह बन रही है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही होगी तो ये एक तो दिख गई अपने को पता करने की और कितनी वर्ड होंगी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ये एक तो दिख गई एक कहां पे एकदम बॉडी सेंटर पे कहां पे है बॉडी के सेंटर पे जो मैंने दिखा रखी है यहाँ पे और कहीं है क्या ऑक्टाइडल वर्ड्स की सर आपने प्लस लिखा है कुछ तो आएगा बट और कुछ दिख रही है आपको कहीं दिख रही है वर्ड्स और थोड़ा अपने कमरे में निगाह मारो कि ऐसा होना चाहिए कि चार एक प्लेन में हो एक ऊपर और एक नीचे चार एक प्लेन में लाने के लिए जर्नी इस यूनिट सेल में ही होना चाहिए जो ऑक्टाइडल वर्ड है वो इस यूनिट सेल में होनी चाहिए जो बीच में जगह बन रही है वो इस यूनिट सेल का हिस्सा होना चाहिए जो आप ये जो चार और एक ऊपर का एक नीचे का है वो इसी रूम के या इसी यूनिट सेल के सारे हो ऐसे जरूरी नहीं <स्थिति> सोचो जरा कहीं पे दिखा कुछ दिख रहा है ऐसे देखो यहाँ हाँ बताओ एक बनेगी कहां पे एक ही बननी चाहिए और कहीं नहीं है एक तो और, नहीं। और नहीं है और भी कहाँ है जैसे ऊपर और नीचे वाले फेस है, वालों को लेंगे हाँ ऊपर और नीचे वाले फेस सेंटर बिल्कुल लिया अब दाएं और पाएं वालों भी वालोंगे ना दाएं और बाएं ले लिया फिर मुझे इतनी मिली ओके ठीक है नहीं वहां पे भी जो देखो जरूरी नहीं है कि चार आप क्या लो चार आप छत दीवार और बाकी दो दीवारें लेके भी कर सकते हो ना तो चार प्लेन बन जाएगा हाँ या ना बट वो बन रही है वापिस सेंटर पे आके बन रही है हाँ है ना जो आप सोच रहे हो वापिस आके सेंटर पे ही बन रही है तो नया तो कुछ नहीं हुआ ना वो तो ढूंढ लिया मैंने इज दैट क्लियर नई जगह तो नहीं मिली ना वर्ड अब नई जगह दिखा रहा हूं अब जहां बैठे हो उसके सामने वाली दीवार देखो और दीवार पे जो जहां दो दीवारें मिल रही है तो इसके बीच में एक लकीर दिख रही होगी अरे ना एज एज बोलते हैं अपन वो जो लकीर है जो दीवारें आपके सामने की तरफ कहीं सामने दो दीवारें मिल रही है तो एक लकीर है एज को देखो एक उस एज के दो कॉर्नर आइटम्स एज के दो कॉर्नर आइटम तो होंगे ना एक एज है तो उसके दो कॉर्नर आइटम होंगे और उस एज से आपकी तरफ ऊपर छत वाली तरफ आपकी तरफ आने पे छत है जो उसके फेस के भी सेंटर पे एक, क्या हो एक आयन होगा एन आयन होगा yes, और ऐसे बगल वाले रूम के पीछे उसके आप जो दीवार देख रहे हो उसके पीछे की तरफ जो बगल वाला रूम है पीछे वाला रूम उसकी भी छत के फेस के सेंटर पे क्या होगा एन आयन होगा yes, तो अब अब आप जो आपने देखा है चार की बात कर रहा हूं दो कॉर्नर वाले एनायंस उस एज के दो कॉर्नर वाले एनायंस और एक आपकी तरफ वाले क्या कहते हैं छत का फेस सेंटर और ऐसे पीछे वाले रूम के फेस का सेंटर ये चार एक बन रहा है हाँ या ना चार का प्लेन बन रहा है yes, ये खुशी जी दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा yes, अभी चार बना उस एज के जहां आप एज देख रहे हो उसके जस्ट नीचे की तरफ फेस के सेंटर पे ना एन हाँ ना आप जो एज देख रहे हो उसके नीचे की तरफ फेस के सेंटर पे क्या एन तो एक चार तो आपने देख लिया दो कॉर्नर और दो छते छत का फेस के सेंटर वाले एनआईन चार आपने प्लान बना लिए इससे नीचे जो आप ए लाइन देख रहे हो या एज देख रहे हो उससे नीचे का फेस सेंटर ऐसे जो क्या कहते दीवार नीचे है ऐसे इस एज के ऊपर भी एक ऊपर वाले रूम में दीवार होगी उसके भी फेस के सेंटर पे क्या पड़ा है पड़ा है तो चार और एक ऊपर और एक नीचे अब इस डायग्राम में यदि मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम में यदि आपको मैं दिखाऊं तो ऐसे समझो कि ये ये वाली लाइन को मैं घूर रहा हूं ये वाली लाइन को ठीक है ये वाली लाइन को घूर रहा हूं तो इसके पीछे भी एक रूम है मान लो तो इसके यहां पे भी एक होगा हां या ना अरे इसके भी सेंटर पे होगा तो ये जो चार है ये मिलके एक प्लेन बना रहे होंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये जो चार है ये मिलके एक प्लेन बना रहे होंगे हां या ना जरा बताओ जरा पहले यस yes, सर और इसके ये ये इस एज के नीचे की तरफ इस एज के नीचे की तरफ ये नीचे वाले रूम में ये इसके फेस के सेंटर पे ऐसे एक ऊपर रूम होगा उसके भी फेस के सेंटर पे आएगा हां या ना ये यही पड़ा है मान लो yes, ये इसके ऊपर वाला तो ये चार एक प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे तो ये एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऑक्ट्रेडल वर्ड बन, बन, बन रही है कि नहीं बन बन रही रही ये कहां है यदि बताओ समझ में आया है तो ये कहां बन रही है ऑक्टाइडल वर्ड किस जगह पे बनेगी इस एज के सेंटर पे बनेगी आया हाँ ना इस एज yes, के सेंटर पे ऐसे हरेक एज की सेंटर पे क्या बनेगा ऑक्ट्राइडल वर्ड हर एक एज की सेंटर पे क्या बनेगी ऑक्टाटल जो इस एज पे हुआ है वो हर एक एज पे ऐसा ही मामला बन रहा होगा yes, कितनी होती है रूम में जरा बताओ बारह तो टोटल ऑक्टाटल वर्ड कितनी हो जाएगी बारह प्लस एक, एक तो तेरा नहीं है क्या ये मुझे बताओ जो एज पे पड़ा ये पूरा पूरा इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है कि एज वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है वन बाय टू की वन की वन बाय फोर्थ की वन बाय पे रखा हुआ एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है वन बाय फोर हा या ना? Yes, तो यहां पे देखो पूरी थी बारह बारह में से उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना है वन बाय फोर तो ये समझो क्या चीज कहा? कहा की बात बोली जा रही है At every edge center. At every edge center. हर एक edge के center पे है ये। At every edge center. ये बात वापिस समझ में आई कि नहीं आई बारह एजेस है बट बारह एजेस पे हर जगह पे ऑक्टाटल वर्ड तो बन रही है बट इस यूनिट सेल में उसका हिस्सा कितना आ रहा होगा के वाले का वन बाय फोर्थ आ रहा होगा तो बारह का वन बाय फोर्थ कितना होता है थ्री तो वन प्लस थ्री पूरी कितनी 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 है तुम्हारी? फोर है कितनी है फोर. टोटल कितनी है तुम्हारी ऑक्ट्राइडल एक और मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है बस वो बराबर आ जाता है एफसीसी का जेड कितना होता है अरे एफसीसी का जेड कितना है कितना है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर और जेड अलग चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर है कि कितना एक एटम और कितने एटम्स को टच करेगा जेड था कि इफेक्टिव कितने एटम्स है इसमें इफेक्टिव कितने एफसीसी में अरे आठ कॉर्नर्स वाला मिलके कितना हुआ एक और फेसेस का सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आधा आधा तो कितने हुए फोर हां या ना yes, जेड है 4 जेड 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी आ रही है फोर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जेड के बराबर होती है ऐसा ही टुकड़मबाजी आप किस में लगा सकते हो एच सी पी में लगा सकते हो एच सी पी का जेड कितना आता है सिक्स आता है मेरे हिसाब से कितना आता एच सी पी का जेड आएगा उतनी क्या आएगी तुम्हारी अः uh, सिक्स तो शायद उसका एच सी पी यूनिट सेल में आएगा बट उसका यदि क्यूबिक यूनिट सेल बनाओगे तो उसका भी जेड फोर आएगा तो उसका भी नंबर ऑफ ऑक्ट्राइडल वर्ड्स फोर आती है और ये ये वर्ड्स वर्ड्स कितनी आती है voids अभी निकालते हैं बट ये एक फॉर्मूला चलता है बट आपने तो निकाल के देख लिया एक तो एकदम पूरी बॉडी के सेंटर पे है और बाकी वाली हर एक एज के सेंटर पे है बट एज का सेंटर कंट्रीब्यूट कितना करता है तुम्हारा वन बाय फोर्थ करता है तो वहां से पूरा कंट्रीब्यूशन कितना आया तीन और एक है एज के सेंटर पर टोटल कितनी है ऑक्ट्राइडल वर्ड्स चार अब आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ टेट्राइडल वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट है दिखाना वैसे तो मैं सीधा लिख लू ये कितनी होती है आठ होती है बट आठ है कहां पे वो देखना पड़ेगा और इससे भी पहले यहां पे कुछ और काम करूंगा जरा बताओ तो एक इस चीज पे आओ वापस इस पे आओ ऑक्ट्राइडल वर्ड पे ये वाला बीच में जो है कैटाइन है कि एनाइन है ये जो बीच में बनाया ये कैटाइन कैटाइन तो कैटाइन है तो इस तरफ क्या लिखूं ये आर प्लस लिखूं कि माइनस प्लस और ये वाला क्या होगा तुम्हारा आर माइनस ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे अरे कैटाइन तो वर्ड में तो टच कर ही रहा होगा तो ये डिस्टेंस कितना है जरा बताओ तो ये डिस्टेंस कितना ए है कि ए बाई टू है अरे यहां पे 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 देख देख लो लो ये ये हर एक एज के है ना तो यहां से लेके तक कितना है कि है है A by two में ये यह यहाँ की तरफ से क्या आ रहा होगा एन आईन की तरफ से क्या आ रहा है आर माइनस और यहाँ की तरफ से क्या आ रहा है आर प्लस ये दोनों जुड़ के बराबर किसके बराबर होना चाहिए ए बाय टू के बराबर होना चाहिए क्योंकि कैटाइन हर बार एन को टच करेगा या ना Yes, तो यहाँ पे लिखना a बाई टू ए बाई टू इक्वल्स टू कितना आएगा r प्लस प्लस आर माइनस ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ जरा ए बाई टू डिस्टेंस ये a बाय टू में इधर के कॉर्नर के वाले की तरफ से r माइनस आ रहा है और ये ये a बाय टू के वाले सेंटर से ये कैटाइन के सेंटर से लेके उस तरफ क्या आ रहा है r प्लस तो r प्लस प्लस आर माइनस कितना हो गया तुम्हारा a बाई टू अब अगली बात ये क्या कंडीशनल है कि हर बार होगा ये कंडीशनल है कि रेडियस रेशियो लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर होगा तभी ये सही होगा कि हर बार सही होगा हर बार हर बार सही होगा क्योंकि कैटाइन तो एनाइन को हर बार टच करेगा एक और रिलेशन देख रहा हूं कि ये एनाइन एनाइन आपस में कब टच करेंगे एफसीसी में याद है एफसीसी में फेस डायगोनल पे एक दूसरे को टच करते हैं एफसीसी याद करो FCC में फेस सी वाले एक दूसरे को क्या करते हैं करते हैं तो ये पूरी एन कितनी है और ये भी एन आइन है फेस के सेंटर पे भी एन आईन है और कॉर्नर्स भी एन आईन है तो मुझे बताओ ये पूरी डिस्टेंस आर के टर्म में लिखो तो कितनी लिखो टू आर की थ्री आर की फोर आर कितनी लिखो फोर आर फोर आर बिल्कुल सही फोर आर यहां से कितना ये यह यहां वाले ने कंट्रीब्यूट कितना किया आर इधर वाले ने कंट्रीब्यूट कितना किया आर और ये बीच वाले ने कंट्रीब्यूट कितना किया टू आर तो पूरा कितना आ गया तो एक और रिलेशन लिख रहा हूं रूट टू ए अंडर रूट टू एक्व टू कितना है तुम्हारा फोर आर में कौन सा है आर प्लस है कि आर माइनस है अरे एन आइन है कि कैटाइन सेनाइन से तो ये कितना होगा फोर आर माइनस ये ऑलवेज होगा कि जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो हो? तो N9 को कब करेगा? जब radius ratio किसके बराबर किसका देख रहे हैं अपन अभी? की वर्ड ऑक्टाटल ऑक्टाडल ऑक्टाडल वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है जरा बताओ? तो लिखना ओनली व्हेन ओनली व्हेन आर प्लस अपॉन आर माइनस कितना हो जीरो पॉइंट फोर वन ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही yes, तो अब जाके आपका ऑक्ट्राइडल वर्ड पूरा हुआ तो वापिस समराइज करूं तो एक एफसीसी यूनिट सेल जो किससे मिलके बनी है एनआईन से मिलके बनी है उसमें कितनी तुम्हारी अ ऑक्ट्राइडल वर्ड्स होंगी चार कहां है ये भी पता होना चाहिए एकदम एक सेंटर पे है और बाकी वाली हरेक एज के सेंटर पे हर एक एज की सेंटर वाला कंट्रीब्यूट कितना करेगा इस यूनिट सेल में वन बाय फोर तो टोटल वहां से कितनी आएगी तीन और एक है एज के सॉरी पूरी बॉडी के सेंटर में तो टोटल हो गई चार फिर अपन ने दो देखे रेडियस के रिलेशन गरिमा ये बात समझ में आई yes, अब यहां से देखते हैं अपन टेट्राइडल वर्ड का मामला टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए कितना होना चाहिए तीन एक प्लेन में होना चाहिए तीन फुटबॉल रखे मान लो और ऊपर चौथा ढक्कन आना चाहिए ऊपर चौथा ढक्कन आना चाहिए कहीं दिख रही है घूमो जरा देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिख रही है कहीं आपके रूम में आपका रूम ऐसा है कि सारे कॉर्नर्स पे भी एनएएनस है और सारे फेसेस के सेंटर पे भी एनएएनस है उसके बाद देखो कि कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही है आपको हिंट है पे फोकस करो किसी एक कॉर्नर पे कॉर्नर कितनी दीवारों से जुड़ा हुआ है एक कोई जिसपे आप कॉर्नर को देख रहे हो कितनी दीवारों से जुड़ा हुआ दिख रहा है इस रूम में तीन तीन तो उन तीनों के फेस के सेंटर पे एटम्स है कि नहीं है या एनायंस है कि नहीं है उन तीनों एनायंस को एक साथ जोड़ने की देखो कोशिश करो उस कॉर्नर से रिलेटेड या जुड़े हुए तीन जो फेसेस है तीन जो फेसेस है उनके फेसेस के सेंटर्स पे जो रखे हुए उनको एक साथ में देखने की कोशिश करो तो ऐसे एक तिरछा प्लेन टाइप का दिख रहा है आपको यस yes, और ऊपर ढक्कन कॉर्नर वाला एनायन ढक्कन दे सकता है ऊपर से yes, हाँ अब हर एक हर एक कॉर्नर पे ऐसा देखने की कोशिश करो तो देखो टाइम लगाओ दो तीन मिनट ऐसे आपको आठों सेंटर्स पे दिखा कि नहीं दिखा कॉर्नर आइटम्स पे yes, sir. आठों कॉर्नर आइटम ढक्कन का काम कर रहे हैं दोनों को दिखा गरिमा खुशी दोनों को yes, sir. तो अब मुझे एक बात बताओ ये जो बीच में वॉइड बनी होगी टेटर वॉइड ये कहा बनी होगी ये पूरी पूरी यूनिट सेल के अंदर है कि कहीं बाहर है so, बाहर से कैसे होगा लड़की जब कॉर्नर एटम ढक्कन कॉर्नर एटम दे रहा है सबसे बाहर तो कॉर्नर एटम है ना हाँ मतलब उसी को मिला के वॉयड में कॉर्नर एटम को क्या या कॉर्नर है ना इनको क्यों मिलाई कॉर्नर से तो इधर बनेगी ना वो अंदर की तरफ अब इसको समझो पूरा थोड़ा समझो मान लो कि ये वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं ना ये वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी दीवारों से जुड़ा हुआ है एक ये उस पर भी जुड़ा हुआ होगा ना नाम yes, अब ये जो सो कोल्ड वर्ड बनेगी ये यहाँ कहीं बनेगी ये बात समझ में आ रहा है ये यहाँ कहीं बनेगी हाया नाम yes, हरेक कॉर्नर से हरे कॉर्नर से ऐसी डिस्टेंस पे क्या बन रही होगी ऐसी बन रही होगी अब सबको मैं दिखा नहीं रहा हूं बट आप इमेजिन करिए कि यहां से लेके ये से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी जरा बताओ ये पूरी ये बॉडी बॉडी सेंटर वाला ये डिस्टेंस कितना अंडर रूड थ्री है सर सॉरी बॉडी डायगोनल वाली डिस्टेंस कितनी होगी आप जो कॉर्नर आइटम देख रहे हो उसका अपोजिट कॉर्नर वाला बॉडी डायगनल वाला देखो पूरी डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट थ्री ए तो अंडर रूट थ्री ए का आधा तो क्या होगा बॉडी सेंटर वाली डिस्टेंस हो गई या हाँ ना पूरे का आधा जो एकदम पूरी क्या कहते हैं यूनिट सेल का आधा बीच वाला पॉइंट हो गया वो तो कितना हो गया अंडर रूट थ्री ए बाई टू हुआ सर हाँ yes, पूरी डिस्टेंस है अंडर रूट थ्री ए उसका एकदम आधा हुआ अंडर रूट थ्री ए बाई टू आपको नहीं लगता सिमेट्री के हिसाब से जो आपकी वॉइड बन रही है उसकी भी आधी डिस्टेंस पे कहीं पे बन रही होगी मतलब आधे का भी आधा आधे का भी आधा ये सो कोल्ड यहां से डिस्टेंस है वो कितनी है पूरी अंडरूट थ्री अंडरूट थ्री के आधे की भी आधी डिस्टेंस पे हा या ना Yes, पूरी है डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस है, है की उसका आधे पे तो पहुंचे तुम सेंटर पे, उसकी भी आधा तो, हाँ yes, तो हो गया अंडर रूट थ्री बाय टू और उसके भी आधा कितना हो गया अंडर रूट थ्री ए फोर तो अब मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हेड्रल वर्ड्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हेड्रल वर्ड्स नंबर ऑफ टेटर वर्ड्स कितनी होनी चाहिए आठ अब ये आठ कहां पे है जरा बताओ फ्रॉम सॉरी ऐसे लिखो एट अंडर रूट थ्री ए बाय फोर डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम एवरी कॉर्नर फ्रॉम एवरी कॉर्नर हर एक कॉर्नर से अंडर रूट थ्री ए फोर बाय डिस्टेंस ये बात समझ में आई है? हर एक कॉर्नर से आपके सामने जो दीवार दिख रही है नीचे की तरफ सेंटर की तरफ आते हुए अंडरूट थ्री बाय फोर डिस्टेंस मतलब आपका जो पूरे के रूम का सेंटर है उससे और कॉर्नर की तरफ उसके आधी डिस्टेंस पे ऐसे इस तरफ भी जाओ नीचे की तरफ जाओ और उस तरफ नीचे की तरफ जाओ वहां पे हरेक कॉर्नर से अंडरूट थ्री बाय फोर डिस्टेंस पे क्या बन रही है टेट्राइडल वर्ड कौन बना रहे हैं उस कॉर्नर से जुड़े हुए फेसेस तीन फेस के सेंटर्स और ऊपर ढक्कन कॉर्नर दे रहा है इतना ठीक है अब एक बात बताओ इसके लिए रेडियस के रिलेशन क्या लिखूं ये वाली जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ये अंडर रूट थ्री बाय फोर है अंडर रूट थ्री ए बायोर इक्व कितना लिखूं यहाँ की तरफ से क्या आएगा r माइनस और इस तरफ से क्या आएगा r प्लस तो r प्लस प्लस r माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अरे जो भी यहाँ पे कट आएगा वह n इन को टच करेगा r प्लस अपॉन r माइनस ये कब सही होगा हमेशा सही होगा कि जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर होगा तभी सही होगा हमेशा सही हमेशा सही होगा बिल्कुल ठीक बात है ऑलवेज और एक और रिलेशन लिखूं कि यहाँ पे ये एनाएंस, एनाएंस, एक दूसरे को कब टच टेगा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है लिखूं। सही 4R 4R जैसे पिछले बार लिखा था यहाँ पे देखो फोर आर माइनस ये कब शुरू हो सही होगा जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो बट लिमिटिंग रेडियस रेशियो की इस बार वैल्यू कौन सी लिखू ऑक्ट्राडल वर्ड वाली की टेट्राइडल वर्ड वाली लिखू डेटा हेडर वॉइड वाली ओनली व्हेन ओनली व्हेन r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल्स टू कितना आ रहा है तुम्हारा 0. कितना लिखूं 225 225 खत्म इतना लिख लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं ये लिख लिया है तो नॉर्मल एक सवाल करो जो नॉर्मल वॉइड्स वाले सवाल थे कुछ करो ये क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा प्रोडिक्ट दर्ड इफ आर प्लस अपॉन आर माइनस ऐसा है तो कौन सी वर्ड्स में जाएगा या जा कौन सी वर्ड्स होगी वहां पे कुछ नहीं बस रेंज के हिसाब से देखना है आपको रेंज पता है हर एक वर्ड की देखो कौन सी रेंज में आ रहा है समरी में लिखा रखा है आपको सर so, पहला पीसीसी दूसरा ट्रायंगुलर तीसरा ऑक्टाहेड्रल और चौथा टेट्राहेड्रल बिल्कुल ठीक बात है पहला है बीसीसी फिर ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर वर्ड फाइनली ये कौन सा है ऑक्ट्राइडल और, और ये वाला टेट्राइडल टेट्राइडल यहाँ पे एनाइंस एनाइंस टच कौन से वाले में कर रहे होंगे क्या सभी में कर रहे होंगे कि सिर्फ एक जगह पे एनाइंस एनाइंस आपस में टच कर रहे होंगे सिर्फ लास्ट वाले में एनाइंस एनाइंस तभी टच करेंगे जब रेडियस रेशियो किसके बराबर होगा लिमिटिंग रेडियस कैटाइंस एनाइंस को यहाँ कहाँ कहाँ टच करेगा हर जगह कर रहा होगा कि किसी भी एक जगह पे कर रहा होगा कैटाइन एनाइन को हर जगह हर जगह कर रहा होगा समझ में आ रही बात है यस yes, yes चलिए ये लिख लिया आगे बढ़े yes, लिखिए अगली बात अब कुछ जो बातें हुई थी आयनिक क्रिस्टल्स की क्या आपने अपने बारहवीं के टाइम पे NaCl का या फिर इसका ZnS का या CsGM क्लोराइड का कि इनका किसी का स्ट्रक्चर्स पढ़े कि वो कैसे दिखते हैं यस सर NaCl का NaCl का कैसा होता है पहले NaCl NaCl की स्टार्टिंग Cl से भी Na लड़की FCC की BCC की सिंपल क्यूबिक वैसी कुछ बात करो नो सर ऐसे नहीं करो ओके okay. तो अभी हम आपको दिखाते हैं जितना पढ़ाया है वर्ड्स वर्ड्स इसकी मदद से सारी बताते हैं तो लिखना स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आयनिक क्रिस्टल्स ये चार पांच अपन पढ़ेंगे और इन्हीं की मदद से बाकी सबका भी जवाब देंगे देखो ये जितना मैंने पढ़ाया इसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे, पूछे जा सकते हैं कि एक देखो एक सैंपल क्वेश्चंस देता हूं आपको कि ये एक क्यूबिक यूनिट सेल सेल है क्यूबिक यूनिट है एक आपको मतलब एक क्वेश्चन दिया मैंने ये करने से पहले साइड में लिखना कहीं पे इससे पहले से कोई लेना देना नहीं है ये जो करवा रहा हूं इससे कि यहां पे मान लो कुछ ए आइटम्स है जिन्होंने जिन्होंने सारे कॉर्नर्स ऑक्युपाई कर रखे कॉर्नर्स पे हैं ऑल कॉर्नर्स सारे कॉर्नर्स ऑक्युपाई कर रखे हैं ए आइटम्स ऐसा बी है जिन्होंने हाफ ऑफ हाफ ऑफ क्या हो गया तुम्हारा फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई कर रखे और सी है जिन्होंने उू बाय थर्ड ऑफ थर्ड ऑफ एज सेंटर ऑक्यूपाई कर हैं, एज सेंटर्स ऑक्युपाई कर हैं, बताओ कि यहां पे जो क्या कहते हैं कंपाउंड बन रहा होगा उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऐसे क्वेश्चंस कभी देखे हैं यस सर हाँ तो जरा बताओ फटाफट कुछ नहीं गिनती करनी है उसका आंसर बताओ ऑफ कंपाउंड घर में आपने किए हैं ऐसे क्वेश्चन yes, तो बताओ फटाफट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए से भी? सी गया सी खा गई तीनों आएंगे सर, ना बेटा सर ए एट बी थ्री और सी एट सी एट ओके ऐसा लग तो रहा है गलत किया है बट बटलेट सी चलो करके बताते हैं बताओ कॉर्नर सारे ऑक्युपाई किए हैं कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूशन होता है eight, तो सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रखे हैं तो ए तो कितना है वन है ये बात समझ में आ रही है यस yes. तो ये हो गया वन अब बी कितना है हाफ ऑफ दी फेस सेंटर कितने होते हैं अरे फेस सेंटर कितने होते हैं से आधे कितने तुम्हारे भरे हुए तो आधे भरे हुए आधे मतलब तीन है कंट्रीब्यूशन तो कितना होगा थ्री बाय टू तो यहाँ पे बी कितना है थ्री बाय टू ये समझ में आया yes, अब सी, कितने हैं 12. 12. 12. 12 का टू बाय थर्ड कितना होता है ट्वेल्व का टू कितना होता है आठ yes, और एज वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है जरा बताओ तो वन बाय फोर बाय फोर तो यहां से कितना हुआ ये कितना आया अरे टू ही आया टू टू तो अब मुझे बताओ ए तो कितना है वन बी कितना है थ्री बाय टू और ये सी कितना है टू अब इसको अच्छा करने के लिए क्या करोगे दो से मल्टीप्लाई कर दोगे ए टू बी थ्री और सी फोर यही दिया था क्या आंसर किसी ने कहा गलती कर रहे थे तुम लोग आपने भी ये थ्री बाय टू क्या करने में फेस सेंटर वाले में हाफ ऑफ फेस सेंटर ओके 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 थ्री बाय टू नहीं लिया था है ना यस yes, sir. ओके okay. तो ये एक क्वेश्चन साइड में लिख लो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं और इनफैक्ट ज्यादातर पूछे जाते हैं मेडिकल में और मेंस लेवल पे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं तो ऐसा कि एक और कराओ ऐसा प्रैक्टिस एक और दू ऐसा yes. सवाल यस yes, सर चलो लिखो एक और क्वेश्चन क्वेश्चन वन अभी वो हेडिंग मत डालना ऐसे ही बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ये इन अ क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल ए है उसने ए पढ़ा है एट बॉडी सेंटर बी पड़ा है एट हाफ ऑफ कॉर्नर्स सी पड़ा है टू बाय थर्ड ऑफ फेस सेंटर्स फटाफट बताओ इस बार फॉर्मूला है मन में जब इतना है क्वेश्चन तो सारा होना चाहिए ए तो कितना होना चाहिए बॉडी सेंटर पे तो एक होना चाहिए एट हाफ ऑफ दॉर्नर ये कितना होना चाहिए अरे सारे कॉर्नर पे होता तो वन होता हाफ ऑफ दॉर्नर से तो वन बाय टू लिखू आया ना yes, sir. और टू बाय थर्ड ऑफ फेस सेंटर्स फेस सेंटर्स कितने हैं सिक्स उसका टू बाय थ्री और इसका फिर कंट्रीब्यूशन कितना आता है हाफ तो ये कितना आया जरा बताओ अरे टू आया mm -hmm. तो मेरे हिसाब से इस बार लग रहा है कि सही है कि गलत है खुशी तेरा आंसर सही है कि गलत है ए वन बी वन बाय टू और सी टू फिर उसको अच्छा करने के लिए क्या करूं ए टू बी और सी फोर चलेगा ये ठीक है यस yes, सर क्या गलती की थी खुशी यहां से क्या गलत निकाला था एक <laughs> सर मैंने बी क्या सोचा है जो दो को मिलाने वाली लाइन है उसके हाफ में ओह माय गॉड नहीं वो जब भी होगा तो एजेज लिखी जाएगी ठीक है एज को क्या बोलते हैं लकीर क्या बोलते हैं हिंदी में भुजा, भुजा क्या बोलते हैं भुजा भुजा ओके हाँ हाँ ठीक है एज मतलब भुजा तो वो वो उसके लिए एज जब भी बोला जाएगा तो भुजा करके वर्ड बोला जाएगा ठीक है ये मतलब एट हाफ ऑफ दॉर्नर मतलब सारे आठ कॉर्नर के आधे कॉर्नर ही भर रखे है ना उस जगह पे भी yes. गरिमा सही किया था कि गलत किया था ए बी सी सही निकाले थे गलत सर ए वन बी हाफ और सी टू करके निकाले थे मैंने हाँ तो सभी सही तो है फिर ए वन बी हाफ और सी टू इसका फॉर्मूला ऐसे हाफ टाइप में तो नहीं आएगा ना उसको फिर अच्छा करना पड़ेगा ना सच्चा नहीं आता मुझे अच्छा नहीं आता अभी आ गया कि नहीं आया नहीं। ओ, ओके अब देखो अच्छा करवाते हैं ए मान लो ऐसा कुछ है ए बी थ्री बाय फोर और सी है टू अब मुझे एक बात बताओ ये थ्री बाय फोर है क्या करूं ताकि ये थ्री बाय फोर का थ्री रह जाए फोर हट जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री बाय फोर को सिर्फ थ्री रखने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने घर का सामान तो है नहीं मैथ्स से तो यहाँ किया है फोर से तो हर जगह फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आया ना यस yes, तो अब कितना आएगा ए फोर बी कितना हुआ तुम्हारा ये कट गया बी और सी ये समझ में आ रहा है यस yes, सर अब हो गया अच्छा करना यस yes, सर एक बार और अच्छा करवाएं एक और लास्ट सवाल यस। yes, तुम्हारे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे क्या ट्वेल्थ वाले टाइम सब so, बोर्ड में नहीं आया था no, ये चैप्टर तो आया होगा पिछले साल तो था बोर्ड में टर्म वन टर्म वन ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं स्कूल में भी नहीं कराए थे ओके ठीक है चलो एक और सवाल करते हैं <laughs> वापस यूनिट सेल है इसमें क्यूबिक यूनिट सेल है देखो इसकी जगह एक और कर सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल की जगह एच वाला यूनिट सेल भी ले सकते हैं एच में याद है कहां कहां था वीडियो दिखाया था मैंने अरे एच के लिए वीडियो दिखाया था कि नहीं दिखाया था एक्सागोनल क्लोज पैकिंग या उसमें FCC वाला ही ही उसके लिए ही दिखाया था वो एक गोरा बोल रहा था ट्राइंगल्स लेके वही वाला वीडियो दिखाया था कि और भी वीडियो दिखाया था कोई तो क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्वेश्चन लिखो हाँ जी इस बार लग, निकालो फॉर्मूला खुशी कितने अकाउंट से आएगी इस बार सही करना पहले मतलब सिखा देता हूं ये एजेस का सारे एजेस का थ्री बाय फोर्थ एजेस पे एक्स है कॉर्नर्स पे आधे कॉर्नर्स पे y है और अल्टरनेटिव फेस सेंटर्स का मतलब समझते हो एक फेस छोड़ के एक फेस मतलब छह फेसेस में कितने फेसेस पे हैं तीन फेसेस पे है. हाँ है ना अल्टरनेटिव फेस सेंटर्स का मतलब है कि जितने फेस सेंटर्स हैं उनको एक छोड़ के एक तो कितने फेस है छह छह के आधे पे तो बेसिकली हाफ ऑफ द फेस सेंटर्स है यही मतलब हुआ इसका करो जरा ये खुशी आवाज आ रही है ओके okay. 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 कोई नहीं जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चंस करो ये फाइनल वाला इस बार गलत मत करना बताओ भैया फाइनल क्या आएगा इस बार सर अल्टरनेटिव का क्या अल्टरनेटिव मतलब आधे एक छोड़ के एक तो छह फेसेस है तो एक छोड़ के एक का मतलब क्या हुआ कि में से तीन ही भरे हुए yes, गरिमा क्या आ रहा है आंसर इस बार सर कर रही हूँ करो करो सही करो अच्छे से करो सर एक्स नाइन by टू जेड सिक्स ओके देखते हैं गरिमा तेरा भी यही आ रहा है नो सर ओके चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो x थ्री बाय फोर्थ ऑफ दी एजेस एजेस कितनी होती है जरा बताओ बारह बारह का थ्री बाय फोर करो और हर एक कंट्रीब्यूट कितनी कटती है एज वाला वन बाय फोर वन तो ये कितना हुआ जरा बताओ यहाँ से ये आंसर कितना आ रहा है ये चार गया तो कितना हुआ तुम्हारा तीन तो ये नाइन बाई फोर आ रहा है हाफ ऑफ दॉर्नर हाफ ऑफ दॉर्नर का मतलब है कॉर्नर कितने हैं आठ आठ का हा... आठ पे होते तो कितना होता वन तो यहाँ कितना होना चाहिए वन बाय टू सर और यहां पे देखो एट फेस सेंटर्स हाफ ऑफ दी फेस सेंटर्स फेस सेंटर्स होते हैं थ्री उसके हाफ और वो कंट्रीब्यूट कितना करता है बताओ जरा फेस वाले सेंटर वाला कंट्रीब्यूट कितना करता है हाफ तो ये कितना आएगा थ्री बाय टू आया ना यस yes, गरिमा सही निकाला था ये वैल्यू सही निकाली गलत निकाली सर सही निकाली अब अभी भी तो सही करना नहीं सीखी है बेसिकली ऐसा लग रहा है मेरे को ये नाइन बाय फोर और बी कितना है हाफ और सी कितना है तुम्हारा थ्री बाय टू अब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो जिसमें ये फ्रैक्शन वाले सारे हट जाए तो दो से मल्टीप्लाई करूं कि चार से मल्टीप्लाई करूं गरिमा बता गरिमा दो से मल्टीप्लाई करूं कि चार से मल्टीप्लाई करूं सबको ताकि फ्रैक्शन हट जाए सर तो फोर से फोर से तो करो फोर से ये लो भैया फोर से किया इधर इधर से फोर भी किया इधर भी फोर से किया तो कितना आया ए नाइन आ गया और बी टू आ गया और सी सिक्स आ गया हाँ ना ए नाइन बी टू और सी कितना आया सिक्स खुशी सही दिया था गलत दिया था जवाब सही था